good morning children today we will learn about the types of soil types of soil soil can be classified into different types depending upon the size of the particle present in them some uh, present in them soil, soil ko hum unke types ke according क्लासीफाइड uh, कर सकते हैं जो कि डिपेंड करता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो uh, present, वो किस साइज़ के होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओके okay? जो उनके पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे हैं ठीक है कितने बड़े हैं उन उस पर डिपेंड करता है सम सॉइल्स कंटेन मैनी स्मॉल साइज पार्टिकल्स वेयर आर अदर सॉइल कंटेन लॉर्ज साइज पार्टिकल्स कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं एंड कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं मीज जो उनके कण होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ओके सॉयल विद लार्ज साइज पार्टिकल्स आर रफ टू टच वेयर एज सॉइल विद स्मॉल साइज पार्टिकल आर सॉफ्ट टू टच ऐसे ऐसी सॉयल जिसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं वो क्या होते हैं वो थोड़े से रफ़ होते हैं छूने में थोड़े से रफ़ होते हैं खुरदड़े टाइप के होते हैं और जो साइज जो सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं वो सूने छूने में क्या होता है बहुत सॉफ्ट होते हैं ओके okay? मीन्स अगर बड़े पार्टिकल्स हैं और उसकी सॉइल है तो वो थोड़ी सी आपको रफ महसूस होगी और अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनकी जो मिट्टी होगी वो थोड़ी सी आपको सॉफ्ट महसूस होगी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर क्लासीफाइड एज डिफरेंट तरह की जो सॉइल्स होती है उसको क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट नंबर इज़ क्लेई सॉइल सेकेंड नंबर इज सैंडी ऑयल एंड थर्ड नंबर इज ओके तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट नंबर इज क्लेस ऑयल सेकेंड नंबर इज सैंडी ऑयल एंड थर्ड नंबर इज लोमिस ऑयल ओके नाउ वट इज द क्लेस ऑयल देखिए क्लेस ऑयल क्या होती है सॉइल विच मेनली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्लेस ऑयल ऐसी सॉइल जिसमें कि क्ले मिली होती है मीन्स मिट्टी मिली होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लेस ऑयल ओके क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे थिक टुगेदर क्ले जो होती है क्ले के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड आपस में क्या होते हैं चिपके हुए होते हैं ओके दे आर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दैम क्योंकि ये आपस में चिपके हुए होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है बहुत जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है क्ले सॉइल क्ले सॉइल कैन बी क्ले सॉयल कैन होल्ड प्लेनिटी ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल इस एयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स क्ले सॉयल्स में क्या होता है क्ले सॉयल जो होता है वो बहुत कम पानी होल्ड कर सकता है क्योंकि उसमें क्या होती है एयर होती है क्योंकि उनके बीच में क्या होता है क्ले पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती है आपस में इसलिए उनके बीच में एयर होती है थोड़ी सी एयर भी होती है इसलिए उसमें जो पानी होता है वो कम होल्ड कर पाता है वाटर इज अनेबल टू ड्रेन आउट ईजली फ्रॉम क्ले सॉइल हम लोग अगर क्ले सॉइल से वाटर ड्रेन करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है <coughs> उसको हम ड्रेन करने में अनेबल हो जाते हैं मीन्स असमर्थ हो जाते हैं देयर फॉर इट होल्ड्स आर लॉट ऑफ वाटर प्लान्स डो नॉट ग्रो ईजली इन सच सॉइल क्ले सॉइल इज सॉफ्ट एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज ओके तो देयर फूट इसलिए क्या होता है इसमें प्लांट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट डो नाट ऐसे जो मिट्टी होती है उसमें प्लांट हमारे नहीं उगते हैं क्ले सॉयल बहुत सॉफ्ट होती है इससे क्या होता है मेकिंग पॉट्स पॉट्स बनाए जाते हैं और टॉयज बने जा ट बनाए जाते हैं ओके okay? नाव वट इज़ द सैंडी सॉइल देखिए सैंडी सॉइल क्या होती है सोइल विच कंटेन्स मेनली एन सेंड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल ऐसी सॉइल जिसमें कि सैंड मिली होती है सैंड के पार्टिकल्स मिले होते हैं दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल इज़ फाउंड ऑन बीचेस एंड इन डिज़र्ट और सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है जहाँ के बीचेस होती हैं मीन्स समुद्र के पास और या तो फिर रेगिस्तान में सैंड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम सेंड पार्टिकल्स क्या होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है सैंडी सॉइल क्वैन देयर फोल होल्ड एयर बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर सेंडी सॉइल के पास जो होती है होल्ड एयर तो होल्ड हो जाती है बट जो पानी होता है वो होल्ड नहीं हो पाता है इट रन्स आउट ईजली फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इसलिए ये आराम से पार्टिकल्स के पास जगह में चला जाता है डू नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल प्लांट जो होते हैं वो सैंडी सॉइल में अच्छी तरह से नहीं उगते हैं ओके सो इट हैज़ फिनिश्ड एंड टूडेज़ योर होमवर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट ओके